नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों ये आप देख सकते हैं पावरट्रैक 439 प्लस। दोस्तों इसका जो पीटीओ लीवर है वह कनेक्ट नहीं हो रहा है। अब इसमें लीवर जाम है कि अंदर प्रॉब्लम है, इसी पर आज का वीडियो है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दें। तो आइए अब मैं आपको इसके पीटीओ लीवर को आगे पीछे करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ हमने इसका हाइड्रोलिक टापा उतारा हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं इसका ये जो पीटीओ लीवर है ये आगे पीछे नहीं हो रहा है। ज़्यादा ताकत लगाने पर इसका लीवर टूट सकता है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ एक बोल्ट लगा है, इस बोल्ट को खोलेंगे तब इसके बाद हमें पता चलेगा क्या जाम है। इस बोल्ट को हम 10 नंबर टूल से खोल कर निकाल लेते हैं। तो ये आप देख सकते हैं हमने 10 नंबर बोल्ट खोल लिया है। अभी आप देख सकते हैं इसका जो लीवर है ये बहुत ही आसानी से आगे पीछे हो जा रहा है, इसका मतलब कि लीवर जाम नहीं है। ये आप देख सकते हैं ये लीवर जो है आगे पीछे हो जा रहा है। तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम इसके अंदर से है, तो हमें इसके अंदर इसके गियर को देखना होगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये जो बोल्ट लगे हुए हैं सबको खोलकर इसको दो भागों में करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं हमने दो भागों में कर लिया है। तो यहाँ से ये पीटीओ कनेक्ट होता है, ये आप देख सकते हैं यहाँ से पीटीओ कनेक्ट होता है। ये इसका गियर है जो कि सही है, और यहाँ इसका जो बूस लगा हुआ ये भी सही है, और इसका जो ऊपर दाता है ये भी सही है। तो दोस्तों अब हम इसको निकालेंगे। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही जाम ये निकल रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर चोट देना पड़ रहा है तो ये निकल रहा है। दोस्तों इसमें होता क्या है कि अंदर स्प्रिंग गोली लगा होता है, तो उसको हम चेक करेंगे। तो इसको पहले हम निकाल लेते हैं। ये देखिए गोली गिर गया, यहाँ से पहले इसको हम निकाल लेते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं गोली निकलने के बाद ये आसानी से निकल गया। तो इस शाफ्ट में एक स्प्रिंग गोली लगा रहता है। तो यहाँ हमने सब चेक किया, सब ठीक है, तो इसके स्प्रिंग को हम निकालेंगे। यहाँ ऐसे स्प्रिंग को निकाल लेंगे। ये ऐसे ये हमारा स्प्रिंग निकल गया। अब इस गियर को डाल के देखेंगे। तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री है, ये गियर हमारा सही है। तो इसमें दिक्कत स्प्रिंग का है। तो दोस्तों इस लीवर को हम और फ्री कर लेते हैं, इसलिए हमने इसको पूरा निकाल दिया है। तो इस लीवर को अच्छे से साफ करेंगे और इसको ऐसे पेपर से अच्छे से मांझ देंगे। इसको हम बिल्कुल फ्री कर देंगे। तो अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्री जा रहा है, अब ये बिल्कुल फ्री हो चुका है। अब इसके ओरिंग को लगाकर इसे लगा देंगे। यहाँ ये इसका ओरिंग है, यहाँ ओरिंग को लगा लेना है और अच्छे से ग्रीस लगाकर इसको लगा देंगे। अब ये लीवर हमारा अच्छे से फ्री हो गया। अब दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, ये जो स्प्रिंग है स्प्रिंग छोटा लगाएंगे, इसमें जो स्प्रिंग लगा हुआ था उससे छोटा स्प्रिंग लगाएंगे। तो यहाँ हमने छोटा स्प्रिंग लगा लिया है और गोली को भी लगा लिया है, और इस गियर को ऐसे यहाँ बैठा देंगे। स्प्रिंग को हमें ऊपर से दबाना है और ये गियर बहुत ही आसानी से लग गया। अब इस लीवर को लगाएंगे।
तो यहाँ ऐसे लगाने के बाद अब लीवर के बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे। यहाँ 10 नंबर टूल से अच्छे से टाइट कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री हो गया। इसमें केवल दिक्कत स्प्रिंग का था, जो बड़ा स्प्रिंग था हमने छोटा स्प्रिंग लगा दिया, ये बिल्कुल सही हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, यही स्प्रिंग है जो कि काफ़ी टाइट हो गया था, जिस वजह से गियर आगे पीछे नहीं हो रहा था। तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं, ये पूरा ट्रैक्टर कंप्लीट हो चुका है, हमने इसको फिट कर लिया है। अब यहाँ हम चेक करेंगे। तो यहाँ ये इनका रोटावेटर है, तो रोटावेटर को थोड़ा ऊपर करके पीटीओ कनेक्ट करेंगे। बस तो यहाँ आप देख सकते हैं, बहुत ही आसानी से पीटीओ कनेक्ट हो गया। अब दोस्तों ये ट्रैक्टर हमारा बिल्कुल ओके है, अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा रोटावेटर अच्छे से काम कर रहा है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।